जैसा कि आपको अपडेट दिया गया है हमारे टेलीग्राम पे, एडमिट कार्ड आ गया है। बिल्कुल सही, एडमिट कार्ड आपका आ गया, पार्ट वन वालों का सिर्फ आया। फिलहाल सिर्फ पार्ट वन का जारी किया गया है, पार्ट थ्री का जस्ट 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपका आ जाएगा। तो उसके मैं पोस्ट डाल दूंगा, बार बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। यह वीडियो में आप देख ले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका भी डिस्कशन करेंगे वीडियो में। तो चलिए क्रोम को सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, गूगल बाबा। तो गूगलों को जैसे ओपन करेंगे आप, तो गूगलों पे आपको सर्च करना है पीपीयू ऑनलाइन। देन जैसे ऑनलाइन करते हो सबसे पहले ही पीपीयू ऑनलाइन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। और मैं एक चीज़ बोल दूँ, पार्ट थ्री वाले अगर देख रहे हो तो आप लोग भी चेक करते रहो, आपका भी 2-3 दिन में आएगा, इसी लिंक पे आएगा। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, सबसे फर्स्ट में ब्लू कलर में जो दिख रहा है उस पर क्लिक करते ही आपको एडमिट कार्ड का जो मेन वेबसाइट है वो शो होगा। इस पर आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, फॉर्म नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने किसी पार्ट वन का स्टूडेंट का यहाँ पर डिटेल भर रखा है, और यहाँ पे मैं अभी कैप्चा करूँगा। कैप्चा में दिक्कतें आएंगी, हर साल आती है, कोई बड़ी बात है नहीं। आपको यहाँ पे कैप्चा पे लॉन्ग प्रेस करना है, और हाँ यहाँ पे जो फॉर्म नंबर है 210 जो लिखा हुआ है वो 220 है एक्चुअली में, वो वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। 220 छोड़ करके फॉर्म नंबर डालना है आपको, आपके फॉर्म नंबर के राइट कॉर्नर पे अपर साइड में मिल जाएगा आपका फॉर्म नंबर, वहाँ से देख लेना एग्जाम फॉर्म में। उसके बाद ये यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करोगे, कैप्चा पे पूरा कैप्चा दिखाएगा, सर्च करोगे, सिंपल सा प्रोसेस है, आपका एडमिट कार्ड आपके आंखों के सामने होगा। अब एडमिट कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ पे प्रिंट करने का ग्रीन में ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ से प्रिंट कर सकते हो। बात करें एडमिट कार्ड पे होता क्या क्या है, एडमिट कार्ड की डिटेल्स पे हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो देखो एडमिट कार्ड पे सबसे पहले अपना फोटो सिग्नेचर देख लेना, सहरा सही है कि नहीं। उसके बाद अपना नाम और माता पिता का नाम दिया रहता है वो देख लेना, आप जो हैं वो आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे प्रमोटेड होते हैं लेकिन रेगुलर में आ जाता है, तो वैसा आपको चेक करना है। प्रमोटेड का फॉर्म भरें तो प्रमोटेड का ही आएगा, जैसे कि ये जो आप देख रहे होंगे एडमिट कार्ड, ये प्रमोटेड स्टूडेंट का एडमिट कार्ड मैंने दिखाया है, पार्ट वन प्रमोटेड वाले हैं ये, तो इस तरीके का है। और चूंकि इनका प्रमोटेड एक ही सब्जेक्ट का था, तो एक ही सब्जेक्ट का इनको एग्जाम भी देना है, और एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो एडमिट कार्ड इस तरीके का दिखाता है प्रमोटेड वाला। घबराओ नहीं, मैं रेगुलर वालों का भी दिखाऊंगा, टेंशन ना ले। देन नीचे में देख रहे हो ग्रीन कलर का 2 पॉइंट दिया हुआ है, और एक पॉइंट आपका रेड कलर में दिया हुआ है। दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट का सीधा सा मतलब है, अगर कोई दिक्कत आपको आ रहा है एडमिट कार्ड में, कुछ भी गलत गड़बड़ी दिख रही है, तो कॉलेज जा करके ठीक करवाए, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है आपको, कॉलेज जाना है। साथ ही साथ आपका तो आपने रूटीन निकला था थोड़े दिन पहले, एग्जाम रूटीन, उसमें डेट दिया गया था एग्जाम का, और यहाँ आपके एडमिट कार्ड पे भी डेट दिया रहेगा एग्जाम का, दोनों को मैच करना है। मैच करने के बाद ही चीज़ें अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक करवाना है। उसके बाद देखो मैं किसी और का भी करके दिखा रहा हूँ जो रेगुलर स्टूडेंट है, अभी जो आपने देखा वो प्रमोटेड वालों का मैंने दिखाया था, अभी रेगुलर वालों का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसको मैंने सर्च किया है, और इस प्रकार का इनका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका रोल नंबर, रोल नंबर देख लेना आपका, इसी रोल नंबर से आपका तीनों साल एग्जाम पड़ेगा, और अगले साल प्रैक्टिकल जब देने जाओगे तो यही एडमिट कार्ड लगेगा, तो ये एडमिट कार्ड आपको 2-3 साल तक काम दे देता है। उसके बाद नीचे में आप देख लीजिए डेट दिया रहेगा कौन से दिन आपका कौन सा एग्जाम पड़ेगा, साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड में आपका कॉलेज का कोड भी दिया रहता है, और आपके एक सेंटर जहां गया है उस सेंटर का कोड दिया रहता है। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना वहां पे आपको कोड डालना रहेगा, सेंटर कोड, कॉलेज कोड, तो ये कोड वगैरह आपको देख लेता है, एक बार सारा कोड आपको भरना रहता है एग्जाम कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेना, यहाँ पे देख लो कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट के 2 एग्जाम होते हैं, दोनों एक ही दिन होता है कॉम्पोजिशन का, 50-50 मार्क्स वाला, ठीक है। और यहाँ पर आंसर बुक को ध्यान देना, आंसर बुक में आपको हर कॉपी में आंसर बुक दिया रहेगा, एग्जाम देने जाओगे तो वो वाला कॉपी वाला आंसर बुक जो नंबर होता है वो इसमें जरूर लिखना। और यहाँ पे अपने रोल नंबर वगैरह ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको भरना रहेगा एग्जाम कॉपी में, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पे एक बार देख लेना, फॉर्म नंबर यहाँ का दिया रहेगा। तो एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होता है, संभाल के रखिएगा, इस साल नहीं आपको ये एडमिट कार्ड अगले साल भी काम देने वाला है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, पार्ट टू वाले प्रैक्टिकल एग्जाम में। और इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली ग्रीन वाले पे क्लिक करना था, आपको यहाँ पे पीडीएफ करके आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, अच्छे से रखे रहना इसको, चाहो तो जो भी डिवाइस आपके घर में है लैपटॉप है तो लैपटॉप में सेव करके अच्छे से महफूज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ें को आप देखो, जैसे कि मैंने इसको सेव कर दिया मेरे मोबाइल में, मैं ज़्यादातर डिलीट करता नहीं हूँ, तो मेरे मोबाइल में रह जाता है 3-5 सालों के लिए मेरा पुराना एडमिट कार्ड रखा रहता है, तो आप लोग भी ऐसे खोना नहीं, इसको आराम से रखना। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है? और हाँ, जिनका भी रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है वो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे टेलीग्राम पे, अपना जो भी डिटेल है वो भेजेंगे। और यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें आपके इंस्ट्रक्शन दी रहती है, आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम से पहले देख लेना, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान फोन वगैरह लेके नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी करें, आपका एग्जाम का डेट आपके एडमिट कार्ड पे, आपका कहाँ सेंटर गया सब कुछ लिया हुआ है, तो देख लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।